नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त ईरान का बादशाह नौशिरवां आदल सासानी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो इस वक़्त ईरान का बादशाह नौशिरवां आदल का पोता खुसरू परवेज़ था। उसी दौर में कुस्तुनतुनिया में एक ज़बरदस्त बगावत कैसर फोका के खिलाफ उठी और कैसर फोका को कत्ल करके हरकल को बादशाह बना दिया गया। हरकल के तख्त नशीन होने के बाद, जो कि हकीकत में तख्तो ताज का हकदार ना था, ईरानियों के लिए सल्तनत रूम पर हमला आवर होने का बेहतरीन मौका था। चिनाचे खुसरू परवेज ने रूमी सल्तनत पर यानी हरकल पर हमला कर दिया। ईरानियों और रूमियों में लड़ाई शुरू हुई और इन लड़ाइयों का सिलसिला 6-7 साल तक जारी रहा। बिला आखिर ईरानियों ने शाम का मुल्क फतह करके बैतुल मुकद्दस शरीफ पर कब्जा कर लिया और ईसाइयों से स्लेव छीन कर ले गए। साथ ही फलस्तीन के तमाम मुल्क को फतह करके इस्कंदरिया तक जा पहुंचे। मुशरकीने मक्का ने ईरानियों की इन फतुहात का हाल सुनकर बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि रूमी अहले किताब थे और ईरानी मुशरक थे। मुसलमानों को मुशरकों के मुकाबले में अहले किताब से हमदर्दी थी, इसलिए इस खबर से मुसलमान रंजीदा हुए। अल्लाह ताला ने सूरत रूम की आयात नाजल फरमाई और इनमें इतला दी कि अगरचा रूमी इस वक्त मगलूब हो गए हैं, लेकिन चंद साल के बाद वो गालिब हो जाएंगे और मुसलमान इस वक्त खुश हो जाएंगे। हरकल 6-7 साल तक बराबर फौजी तैयारियों में मसरूफ रहा। इस अरसे में उसने अपने मुल्क के अंदरूनी इंतजाम पर भी पूरे तौर पर काबू पा लिया था। हरकल ईरानियों को अपनी हदूद मुमिलकत से निकालने और साबका शिकस्तों का इंतकाम लेने के लिए निकला और मुल्क शाम के मैदानों में रूमी लश्कर ने ईरानियों को फैसला कुन शिकस्त दी। ईरानी भागे और कैसर रोम ने अपने इलाके ईरानियों से खाली करवा लेने के अलावा ईरानियों के बाद सूबों पर भी कब्जा कर लिया। इधर रूमियों ने ईरानियों पर फतह अजीम हासिल की, दूसरी तरफ बदर के मैदान में मुसलमानों ने कुफारे मक्का को शिकस्त फाश दी और कुरान करीम की पेशन गोई हरफ ब हरफ पूरी हो गई। इसके बाद भी ईरानियों और रूमियों में लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। सन 7 हिजरी की इब्तदा में रूमियों और ईरानियों के दरमियान सुलह हो गई और ईरानियों ने वो स्लेब जो बैतुल मुकद्दस शरीफ से ले गए थे रूमियों को वापस कर दी और इनके खोए हुए इलाके और सूबे भी रूमियों को वापस कर दिए। लहजा ईरानी और रूमी दोनों दरबारों में बेदारी की अलामत नुमाया थी और दोनों ही अपनी अपनी तरक्की और मजबूती के लिए मुनासिब तदाबीर में मसरूफ हो गए थे। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम खतूत रवाना किए। आपका खत खुसरू परवेज के पास मदाइन में और हरकल के पास बैतुल मुकद्दस शरीफ में पहुंचा। खुसरू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा ग्रामी चाक कर दिया और हरकल ने तकरीमो इज्जत के साथ इस खत को लिया। आपने ईरानी बादशाह की इस हरकत नामाकूल का हाल सुनकर फरमाया कि इसकी सल्तनत भी पारा पारा हो जाएगी। खुसरू परवेज ने सिर्फ यही नहीं कि आपके खत को चाक किया और कासिद के साथ गुस्ताही की थी, बल्कि अपने आमल बाजान वाली यमन को लिखा कि इस अरबी पैगंबर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके हमारे पास भेज दो। बाजान ने अपने 2 आदमी मदीने में भेजे। वो दोनों खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और खुसरू परवेज के हुक्म की इत्तला दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अपना माबूद समझते हो यानी खुसरू परवेज, वो रात को अपने बेटे के हाथों मारा गया है। ये दोनों जब बाजान के पास वापस पहुंचे तो वहां मदाइन से इत्तला पहुंच चुकी थी कि खुसरू परवेज को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है। ये वाक्या ठीक उसी रात का था जिस रात की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वाली यमन मुसलमान हो गया। इस तरह मुल्क यमन में बहुत जल्द इस्लाम फैल गया। खुसरू परवेज के मरने के बाद यके बाद दीगरे जो भी बादशाह ईरान के तख्त पर बैठा उसको कत्ल कर दिया गया। आखिरकार खुसरू परवेज की बेटी बुरान तख्त नशीन हुई। बुरान के ही ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। बुरान के बाद कई नौ उम्र लड़के और औरतें यके बाद तख्त नशीन हुए, लेकिन आखिर में यजदगर तख्त नशीन हुआ
जिसके ज़माने में मुसलमानों ने ईरान पर कब्ज़ा किया। गरज ये कि जिस रोज़ से खुसरो परवेज़ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक चाक किया था, इसी रोज़ से ईरानी सल्तनत का जवाल शुरू हो चुका था और ईरान के तख्त पर बजाय बादशाहों के लड़कों और औरतों ने कब्ज़ा जमा लिया था। जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए तो उन्होंने नजदो यमामा के हालात पर काबू पा लेने के बाद अयाज बिन गनम को, जो नजद में मुकीम थे, लिखा कि इन मुसलमानों को जो मुर्तिद नहीं हुए और इस्लाम पर कायम हैं, अपने हमरा लेकर बालाई इराक पर हमला आवर हूँ। और दूसरी तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद को, जो यमामा में मुकीम थे, लिखा कि अपने लश्कर को लिए हुए ज़ेरी इराक की तरफ मुतवज्जे हूँ और रास्ते में जो भी कबाइल आए उनको अपने साथ मिला लें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इराक की तरफ रवाना होने से पहले उबला में मौजूद ईरानी सरहद के मुहाफिज हरमुज के नाम एक ख़त लिखा। इस ख़त का मजमून कुछ इस तरह से था, अम्मा बाद अपनी सलामती की खातर या इस्लाम कबूल कर लो या जिज़िया अदा करो, अगर इन दोनों में से किसी एक को कबूल ना करोगे तो अपनी ज़ात के अलावा किसी को मलामत ना करना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ जो मौत को इस कदर दोस्त रखते हैं जैसे तुम जिंदगी को दोस्त रखते हो। हरमज को जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद का ख़त मिला तो उसने कासद को बेइज्जत करके दरबार से निकलवा दिया और सिपा को तैयार करने के बाद एक बहुत बड़ी और मुसल्ला फ़ौज लेकर हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर की तरफ रवाना हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद अभी काजिमा से दूर ही थे कि इन्हें खबर मिली कि हरमज की फ़ौज पहले ही काजिमा में पहुंच चुकी है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पेश कदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काजिमा के दूर से गुजर कर हफीर तक पहुँच सकें। जब हरमज को पता चला कि इस्लामी फ़ौज ने अपना रास्ता बदल दिया है तो उसने अपनी फ़ौज को खैमे उखाड़ने और बहुत ही थोड़े वक़्त में हफीर की जानब कूच करने का हुक्म दे दिया और इस्लामी लश्कर से पहले पहुंचकर पानी के कुओं पर कब्ज़ा कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद को इत्तला दी गई कि दुश्मन हफीर के मकाम पर पानी के कुओं पर काबज़ हो चुका है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ आगे जाकर अपनी फ़ौज को ऐसी जगह पड़ाव करने का हुक्म दे दिया जहां दूर दराज तक पानी का नामो निशान नहीं था। इसी पड़ाव में हज़रत मुसन्ना बिन हारसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सुलमा दो दो हज़ार आदमी लेकर हज़रत खालिद बिन वलीद से आन मिले। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को फौरी तौर पर हफीर से काजमा की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। हरमज को इत्तला मिली कि मुसलमानों का लश्कर काजिमा की तरफ कूच कर गया है तो हरमज ने भी अपनी फ़ौज को काजिमा की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों के लिए कूच करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे ज़्यादा थे और सिपाही भी हल्के फुलके थे और वो आसानी से तेज़ चल सकते थे। इनके मुकाबले में ईरानी सिपाही हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज़ नहीं चल सकते थे। इसके अलावा एक दो दिन पहले ही वो काजिमा से हफीर आए थे। इस कूच की थकन अभी बाकी थी कि इन्हें एक मरतबा फिर कूच करना पड़ा और वो भी बहुत तेज़, ताकि मुसलमान पहले काजिमा के इलाके में ना पहुंच सकें। इस कूच ने रास्ते में उनको थका दिया। हरमज की फ़ौज काजिमा में जब मुसलमानों के बिलमुकाबल पहुँची तो पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सहराई लड़ाइयों और सहरा में नकलो हरकत के आदि थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हरमज को ये तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्लब में वो खुद रहे और दाएं और बाएं पहलू की क़यादत हज़रत आसम और हज़रत अदी बिन हातम को दी। मुसलमानों को लड़ाई की तरतीब में देख कर हरमज ने भी अपनी फ़ौज को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्लब में वो खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के दो अफराद कबाज और अनुशजान को दी। इसके बाद हरमज ने आगे बढ़कर हजरत खालिद बिन वलीद को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा और अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक अपने मुहाफिजों को कहा कि जब हजरत खालिद बिन वलीद को मैं जकड़ लूँ तो तुम आगे बढ़कर इन्हें कत्ल कर देना। लेकिन जब उसके मुहाफिज आगे बढ़े
तो हजरत काक बिन अमर ने आगे बढ़कर उसके तमाम मुहाफिजों को कत्ल कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने हरमुज को कत्ल करने के बाद अपने लश्कर को खुला हमला करने का हुक्म दे दिया। ईरानियों की तादाद मुसलमानों की निस्बत खासी ज्यादा थी, हथियारों और घोड़ों के लिहाज से भी इन्हें बर्तरी हासिल थी। वो मुसलमानों के मुकाबले में जम गए। नजर यही आ रहा था कि ईरानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी या इनको शिकस्त देने के लिए बेशुमार जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी। ईरानी सिपाही 5-5, 10-10 एक जंजीर में बंधे हुए थे और हर तरफ से आने वाले हमलों को रोक रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इनको थकाने के लिए घुड़सवारों का इस्तेमाल किया और घुड़सवारों ने प्यादों पर इस तरह से हमले करना शुरू कर दिए कि प्यादों को दाएं और बाएं जानब दौड़ना पड़ता। आखिरकार ईरानियों में थकन और सुस्ती के आसार नजर आने लगे। उन्होंने अपनी रवायत के मुताबिक जो जंजीरें बांध रखी थीं वो उनके पाँव की बेड़ियाँ बन गईं। उनके पहलों के सालारों कबाज और अनुशजान ने जब शिकस्त यकीनी देखी तो पसपाई का हुक्म दे दिया। लेकिन पसपा भी सिर्फ वही हो सके जो जंजीरों में नहीं बंधे थे। इनमें से बहुत ज़्यादा घुड़सवार थे। कबाज और अनुशजान पहलू से अपनी फौज की बहुत सी नफरी बचा कर ले गए, लेकिन क्लब के हजारों सिपाही मुसलमानों के हाथों कट गए। मुसलमानों की इस अजीम फतह पर ईरानियों के जंजीरों में जकड़े हुए सिपाहियों में से कोई एक भी जिंदा ना बचा और ये जंग मुसलमानों की फतह और ईरानी लश्कर की शिकस्त पर ख़त्म हो गई।